वृंदा के साथ जो विष्णु ने किया वो गलत किया, वृंदा के साथ जो विष्णु ने किया वो गलत किया। और जब उसको पता चला है कि मेरे साथ जो सोया है वो मेरा पति नहीं विष्णु है, और विष्णु पत्थर के हो गए और वहीं से शालिग्राम की उत्पत्ति होती है, उनको एक काले पत्थर की तरह लोग पूछते हैं, अगर वो ईश्वर ही क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तो उसका खामियाजा उसको भी भुगतना पड़ेगा। हो गया, जब आप खुद बोल रहे हैं कि आपके गॉड के अंदर छेद है, वो कुकर्म कर सकता है, गलती कर सकता है, श्राप देने के कारण पत्थर भी बन सकता है। हाँ, बना पत्थर वो, और रेपिस्ट भी है वो, रेपिस्ट है, रेप किया है ना। बिल्कुल, जो आदमी तेरा फंसे आमिर भाई, प्रॉब्लम क्या के साथ है? यही दिक्कत है आपके साथ यार। ओ यार, मुझे पानी आमिर भाई, अपना प्रॉब्लम है कुछ न कुछ। जी, आप पोल खोलिए अपना, मेरा मतलब है बात कीजिए जी। ठीक है, अगर आमिर साहब जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था, आपने दो तीन चीजें ऐसी इसमें रखी हुई हैं जो अभी आप रेफरेंसेस दे रहे थे, मुझे ये बताइएगा विष्णु भाई, पहले विष्णु भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। विष्णु भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप आर्य समाजी हैं? मैं आर्य समाजी भी हूँ, मैं सनातनी भी हूँ, और मैं हिंदुइज्म को मानता हूँ। अच्छा, आप आर्य समाजी भी हैं और आप नॉर्मल हिंदू भी हैं, ऐसा ही है? मैं सनातनी हूँ, आप यूँ समझ रहे हैं? नहीं, आपने अभी मुकरे नहीं, ये गलत है, ये मेरे साथ ज्यादती है। अभी आपने कहा मैं आर्य समाजी भी हूँ, अभी जब मैंने दोबारा पूछा कन्फर्म करने के लिए, आपने साथ ही कह दिया मैं सनातनी। आर्य समाजी हैं या नहीं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। मूर्ति पूजा करते हैं आप? मेरी बात आप समझे, सनातनी होने का मतलब नहीं, आर्य समाजी यानी के स्वामी दयानंद सरस्वती को मानने वाले जो उसका समाज है, आप वो हैं? कोई जरूरी नहीं है सर, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आर्य समाज शब्द मुझे सुने जरा, आर्य समाज शब्द मुझे वेदों से निकाल दें, मैं मान लूंगा कि आप भी आर्य समाजी हैं। चले, मनु स्मृति से आर्य समाज ये मुझे निकाल दें, मैं मान लूंगा कि आप सनातनी भी आर्य समाजी हैं। ये वर्ड ही बाद में आया है। आप मुझे कुछ भी मान लें ना, मैंने कुछ भी कहा, कुत्ता मान लूं? बिल्कुल मान लें सर, अगर आपको ये लगता है कि मुझे कुत्ता मान लेने से बात आपकी बन जाए तो बिल्कुल मान लें। मेरी नहीं ना बननी है, कुत्ता नहीं होता ना, मेरी बात आप समझे। विष्णु भाई टॉपिक पे आए सर, बिल्कुल स्ट्रिक्ट टॉपिक पे आप आए। ओहो, विष्णु भाई कितने प्यारे भाई हैं आप, इतने अच्छे से बात टॉपिक पे आए, और मैं मेरी बात समझे, मेरी उम्र 50 साल है, टॉपिक पे आ रहा हूं। नहीं ना, और मेरी बात समझे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एक डिसेंट बंदे हैं और आपको बात करने की और एक दूसरे के एहतराम करने की तमीज है। अगर कोई समय जाया करेगा बिल्कुल, मैं बिल्कुल एक मिनट भी आपका समय जाया नहीं करूंगा, बस आप टॉपिक पे आए, और जो टॉपिक आपने छेड़ रखा है तो बस टॉपिक पे आने लगा। मैंने आर्य समाजियों के लिए लिंक पब्लिक किया था, आप आर्य समाजी हैं या नहीं, और आर्य समाजी से मेरी मुराद है वो आर्य समाजी जो स्वामी दयानंद सरस्वती को मानते हैं, क्योंकि टॉपिक वो है। पीछे देखें किसकी लगी हुई है फोटो। ठीक है, चलिए आपने वो लिंक पब्लिश की हो, चलिए मैंने मान लिया। अब आप टॉपिक पे, जिस टॉपिक को आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा आप आर्य समाजी हैं कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल आर्य समाजी, हाँ जी बिल्कुल आर्य समाजी। चलिए, आप विष्णु को मानते हैं, आपका नाम ही विष्णु है राइट? विष्णु जी की आप पूजा करते हैं? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए, एक स्कंद पुराना में एक कुछ रेफरेंस आता है, बुक नंबर 2 सेशन नंबर 4 चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 22-27 में आता है, विष्णु जी ने वृंदा के साथ क्या किया था, आपको पता है ये स्टोरी? मैं पढ़ के बताऊं आपको जल्दी। आप टॉपिक पे आ जाएं, पढ़ के बताओ मैं कि वो कह रहे टॉपिक। आमिर भाई, ये प्रॉब्लम आपके साथ है, आप फंसना बंद करें प्लीज। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ आपको। जी, तो यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़कर आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल टॉपिक पे आ जाएं। मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ कि विष्णु जी ने हाँ वृंदा, आपने ये कहना चाहते हैं कि वृंदा के साथ जो है उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए और उसका सतीत्व भंग किया, और इस तरह से जो है ये सिद्ध होता है कि वो जो है रेपिस्ट थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एक गाना भी डेडिकेट करना चाहता हूं भाई, क्योंकि यहाँ पर विष्णु जी है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूं जो कि फेमस है। यहाँ पर विष्णु जी भेष बदल कर आए और वृंदा के साथ इंटरकोर्स कर लिए, इंटरकोर्स करने के बाद अपने असली रूप में आए। तो गाना है देखिए, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, तो वृंदा को नारायण मिल गए।
तो वृंदा को क्या बोली वृंदा कि मुझे नहीं पता था कि आप ये है विष्णु, आप ये कर्म कैसा करें मेरे साथ, कुकर्म, मैं आपको श्राप देती हूँ। जी तो ऐसे भगवान को क्या आप भगवान मानेंगे और पूजा करेंगे? आपका क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने जो कार्य किया वो गलत किया और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? भगवान भगवान को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। भगवान कर सकता है किसी के साथ सेक्स, वो भी भेष बदल कर? सर हाँ बिल्कुल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब और भी कुछ रखना है, कोई क्वेश्चन आपको रखना है तो पूछ लें। जी इसमें ही देखिए, पहले तो भगवान भेष बदल कर छल कपट से धोखा देकर एक औरत के साथ जिसकी वाइफ नहीं है, विष्णु की वाइफ नहीं है वो, उसके साथ सेक्स करते हैं और असली रूप में आ जाते हैं, तो ये लड़की जो है वृंदा उनको शराब भी दे देती है। पहली चीज डिसेप्शन, धोखेबाजी। दूसरी चीज सेक्स करना एक स्ट्रेंजर से। तीसरी चीज वो स्ट्रेंजर भगवान को कर्स करना, क्या विष्णु भगवान हो सकता है? आमिर भाई आप अपना पॉइंट रख दीजिए। आमिर भाई आप भी रख ले अपना पॉइंट। जी जी मैं भी रख लेता हूँ। नाजरीन ये हमारे विष्णु भाई कह रहे थे कि मैं आर्य समाजी भी हूँ और कोई मसला नहीं है, हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखें जी, स्वामी दयानंद साहब का जीवन चरित्र है जो पंडित लेखराम के द्वारा इकट्ठा किया गया, उसका एक प्रमाण या उसका एक टेक्स्ट आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये 4545 पेज 445 के ऊपर है स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। अब ये जो येलो लाइन है मिड के अंदर वो जरा पढ़िएगा। वो कहते हैं, वहां मैंने प्रथम विष्णु मत का खंडन करके शिव मत की स्थापना की। यहां पर स्वामी दयानंद अपनी यंग एज के अंदर हैं। आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब किस मत का खंडन कर रहे हैं? विष्णु मत का। कौन सा मत? जो विष्णु प्रभाकर साहब मान के आ रहे हैं। तो स्वामी दयानंद साहब ने विष्णु मत का खंडन अपनी जवानी से शुरू कर दिया हुआ था, ये उनके जीवन चरित्र में लिखा है। इससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये खुद को आर्य समाजी कहकर मैदान में उतरे हैं, मगर आर्य समाजी के बानी वो जनाब विष्णु मत को उखाड़ कर रख रहे हैं। मैं पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी जबरदस्त हो गया सर आपका। जी विष्णु भाई अब मेरी बात आप समझ लेंगे। सैम भाई आप मुझे तसल्ली से सुनेंगे इसका मुझे उम्मीद है। 6 मिनट नहीं दे सकते आपको, आप जल्दी कवर करिए। सर मैं 1 ही मिनट लूंगा, आप 1 ही मिनट दीजिएगा फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। वृंदा के साथ जो विष्णु ने किया वो गलत किया, वृंदा के साथ जो विष्णु ने किया वो गलत किया, और इसका नतीजा ये निकला कि जी मैं बिल्कुल बता रहा हूँ सर मेरी बात सुनिए। वृंदा के साथ जो उन्होंने किया बिल्कुल गलत किया, क्योंकि वृंदा जो है उन्हीं की भक्त थी, उन्हीं की पूजा करती थी और बहुत सती स्त्री थी। उसके पीछे का कारण ये है कि जो उसका पति था उसका युद्ध हो रहा था और उसको मारने के लिए तय था कि जब तक उसका सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक वो प्रोटेक्टेड रहेगा, वो मरेगा ही नहीं, वो जो असुर था जिसके साथ युद्ध हो रहा था। अब उसको मारने के लिए सारे देवताओं ने जब अनुरोध किया कि इसको किसी भी कीमत पे मारना है, तो उन्होंने जो है रूप बदल कर, उसके पति का रूप बदल करके वृंदा के साथ वो सोए हैं, वृंदा का सतीत्व भंग किए हैं। जब वृंदा को उसके पति की जब गर्दन कट गई है तो वो दहाड़ता हुआ गर्दन उसके पास आई है और कही कि मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि वृंदा तुम जो है मेरे साथ खिलाफत करोगी और तुम चरित्रहीन निकलोगी। और जब उसको पता चला है कि मेरे साथ जो सोया है वो मेरा पति नहीं विष्णु है, तो उसने क्रोध के मारे विष्णु को वहीं श्राप दिया है और विष्णु पत्थर के हो गए और वहीं से शालिग्राम की उत्पत्ति होती है, उनको एक काले पत्थर की तरह लोग पूछते हैं। और उस श्राप को विष्णु ने ग्रहण किया है कि हाँ हमने चीज गलत की। अब यहां से दो बातें निकल के आती हैं कि अगर वो ईश्वर ही क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तो उसका खामियाजा उसको भी भुगतना पड़ेगा। अगर वो ईश्वर ही क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तो उसका खामियाजा उसको भी भुगतना पड़ेगा। और विष्णु के इस कार्य की हर जगह निंदा होती है, हर जगह क्रिटिसाइज होता है। मैं विष्णु को मानता हूं लेकिन फिर भी मैं क्रिटिसाइज करता हूं कि विष्णु ने गलत किया। मेरी बात समझे, कर्म की प्रधानता यह कहती है कि अगर आप मेरी बात समझे, मेरी बात पूरी बता रहे थे, जब आप खुद बोल रहे हैं कि आपके गॉड के अंदर छेद है, वो कुकर्म कर सकता है, गलती कर सकता है, श्राप देने के कारण पत्थर भी बन सकता है। हाँ बना पत्थर वो, और रेपिस्ट भी है, वो रेपिस्ट है, रेप किया है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओए होए ओए होए क्या कहिएगा अमीर भाई, क्या कहिएगा, इतने रख कम पै गया जी। ओए होए होए रेप
जी तो गॉड एक रेपिस्ट हो, गॉड एक रेपिस्ट हो सकता है, उसकी पूजा भी हो सकती है, राइट सर? बिल्कुल, वाह भाई, गॉड की पूजा नहीं होती, किस वाले किसकी पूजा होती है? आप बात को समझे तो सही। जो आदमी तेरा फंसे आमिर भाई, प्रॉब्लम क्या के साथ है? यही दिक्कत आपके साथ यार। यार मुझे पानी, आमिर भाई अपना प्रॉब्लम है कुछ न कुछ। मैं जितने साहस अच्छा, के साथ एक्सेप्ट कर रहा हूं, आप नहीं कर पाएंगे। विष्णु जी आपका गॉड रेप करे, मैं हंस भी नहीं सकता। वाह भाई वाह, पांच रुपए ये विष्णु भाई। मैं जिस जिगरे से गलत को गलत कर रहा हूं, आप कर पाएंगे? तो भाई गलत को गलत बोलना अच्छी बात है, गलत को गलत बोलना अच्छी बात है। विष्णु भाई कह रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड आपकी मैं प्रशंसा भी कर रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। आपकी मैं प्रशंसा तो बता दें। ओ यार सुन लो यार, देखो आप सच्चे दिल से आप बोले कि विष्णु रेपिस्ट है, और आप ये मानते हैं कि गलत बात है, अच्छी बात है। आप ऐसे रेपिस्ट हो यार, सुन लो यार विष्णु, ठीक है ना? आप मान लिए, मैं बोल दिया, एग्री कर लिए, कंफर्म हो गया है रेपिस्ट है विष्णु, आप भी मान लिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, ऐसे आदमी की पूजा क्यों करते है? वो गलत है ना, आप इसको क्यों नहीं मानते? एक उदाहरण आपको देता हूँ, ये एक इकलौता उदाहरण नहीं है, एक दूसरा उदाहरण भी मिलता है। एक अहिल्या थी, उनके साथ भी रेप हुआ था, इंदिरा ने किया। जी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप आपके ज्ञान में मैं इजाफा कर रहा हूँ। विष्णु भाई मैं टोक रहा हूँ आपको, आई एम रियली सॉरी, एक मिनट। सर आप अगर बैठेंगे मजाक उड़ाएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करना पसंद करूंगा। मैं दो बार अगर आप डिसेंट तरीके से बात नहीं कर सकते, आपकी प्रॉब्लम है तो प्लीज बात करने। I am sorry, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि भाई कल को विष्णु भाई ये ना हो जो आप बात कर रहे हैं, कल को हमारे पास कोई सनातनी आया, वो नीचे कमेंट कर देता, वो कहता है ये विष्णु इनका प्लांटेड बंदा था, ये तो मुसलमान था, ये तो खुद देखो सारी बातें बता रहा है, अहिल्या का भी केस खोल दिया जो कि सैम भाई ने नहीं बताया, खुद ही पोल खोल रहा है। तो कल को ये लोग कह देंगे ये इनका अपना बंदा था, तो आप जरा क्लियर कर दें कि आप वाकई सनातनी है ना, ये ना हो बाद में कहें लोग का मुसलमान। और मैं बता दूं, मैं ब्राह्मण हूं, सात जबरदस्त ब्राह्मण हूं, जबरदस्त, ये हुई ना बात, जिंदाबाद जी विष्णु भाई। आप रिकॉर्ड करके रखिए। नहीं जबरदस्त, आप बोलिए, रिकॉर्ड बोल रहे ना, कितने लोग देख रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ 2000-4000 तो देख ही रहे होंगे लोग। जी आप पोल खोलिए अपना, मेरा मतलब है बात कीजिए जी। विष्णु जी का भी किस्सा आता है, वो मोहिनी का अवतार रूप लेकर पैदा आए थे एक बार, और मोहिनी नंगी हो गई थी, तो विष्णु जी नंगी थी भाई, वो कपड़े निकल गए थे उसके, श्रीमद भगवतम में लिखा है मेरे भाई, आपको मैं पढ़कर बताऊं? नहीं मैं आपको करेक्ट कर दे रहा हूं, उसमें हुआ क्या था एक्चुअल में, आपको पढ़कर बताओ, बोलता मैं पढ़कर ही बता सकता हूँ मेरे भाई, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे। अच्छा ठीक है, मान लिया नंगे थे। हाँ तो विष्णु जी नंगे घूमकर शिवा को अट्रैक्ट कर रहे थे, आप मानते हैं? सर मैं आपको सही रेफरेंस दे रहा हूँ, आपको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। श्रीमद भगवतम बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 24 से लेके 33 जी, इसमें पूरी स्टोरी आती है कि जो मोहिनी थी वो सारी पहनकर थी, ठीक है, एक तेज हवा चली उसकी सारी उतर गई और वो वस्त्रहीन हो गई, ओपन अप हो गई, नंगी हो गई, और शिवजी के सामने से मुस्कुराते हुए उनको ललचाते हुए वहां से गुजरी, और शिवाजी अपनी अपनी वाइफ के साथ खड़े हुए थे भवानी के साथ, तो भवानी को छोड़कर मोहिनी के पीछे भाग लेते आ गए, ठीक है। तो मैं आपको यही पूछ रहा हूँ कि क्या विष्णु जी नंगे होकर शिवा को अपनी तरफ मोहित करे थे? अच्छा अब मैं इसका आपको, आप और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? मैं अपनी बात शुरू करूं। नहीं, इसको जरा खुल के विष्णु जी इसी विषय को जरा खुल के बयान कीजिएगा कि हुआ क्या। एकदम आप गंभीर रहिएगा, बिल्कुल बी सीरियस, दाएं बाएं नहीं, ये है मसला गंभीर रहने वाला। सैम भाई मैं आपको बताता हूँ जी, देखिए दो चीजें होती है, एक होती है माया जी। विष्णु भगवान जो है उन्होंने ये कहा कि हमारी जो माया है जिससे इस सृष्टि जो सृष्टि चलती है उसका प्रभाव सबके ऊपर होता है, कोई इससे बचा नहीं है, तो कहा कि अरे शिव तो लगातार योग करते रहते हैं, इतने बड़े योगी हैं, उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होगा। तो कहा नहीं, उनके ऊपर भी होगा, अगर वो मानव का शरीर धारण किए हुए हैं
तो हमारी माया से कोई भी सृष्टि का प्राणी नहीं बचा है, कोई भी सृष्टि का प्राणी नहीं बचेगा। तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो बड़े योगी व्यक्ति, उनको तो अपने ऊपर बड़ा नियंत्रण है, वो तो बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया है और उसके बाद वो सामने गए हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सही है कि कैलाश पर्वत पर वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं और उनको देख करके उस रूप के ऊपर वो मोहित हुए हैं, उसके पीछे पीछे त्रिलोक में घूमे हैं और उनका वीर स्खलन हुआ है और सोने और चांदी की उत्पत्ति मानी जाती है। जबरदस्त जबरदस्त। तो मेरा यही सवाल है, मेरा एक मिनट, यहाँ पर रुक जाइए, ठीक है, यहाँ पर रुक जाइए आप सर, एक्सप्लेन यहाँ पर, इसका क्रक्स समझें, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। इसके आगे आप बोलेंगे कि अय्यप्पा को पैदा करना था, वो आता है, मुझे पता नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो चीज नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। आप बोले कि भाई शिवजी जो है एक इंसानी रूप में थे, क्या वो ललचाएंगे या नहीं ललचाएंगे, तो इस वजह से विष्णु जी भी इंसान का रूप लेकर आए थे ना, मोहिनी इंसान का रूप ही थी ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मान लें विश्व मोहिनी को। हाँ, तो आप ये माया है, भगवान है, क्यों बोल रहे थे? आप ये शिवा को एक तरफ बोल रहे हैं कि वो इंसानी जिस्म लेकर थे, और आप दूसरी जगह बोल रहे थे कि ये विष्णु की माया है। तो विष्णु जी नंगे होकर घूम रहे थे सर, विश्व मोहिनी के रूप में थे, नंगे थे ना विष्णु के? ओ यार नंगे थे विष्णु जी, है ना, वो एक तरफ से रूप बदल लिए, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, तो रूप बदल लिए वो फिर। हाँ जी बिल्कुल, तो नंगे घूम रहे थे ना शिवा को अट्रैक्ट करने के लिए, क्या ये गॉड की क्वालिटी हो सकती है मेरा भाई, नंगे घूमना, किसी को अट्रैक्ट करना, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि मेरी माया का प्रभाव सबके ऊपर होता है, और ये शो करने के लिए उन्होंने फार्म किया, जैसे कोई व्यक्ति नंगे घूमकर। हाँ जी, उस पर्टिकुलर रूप में उन्होंने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया था और ये चीज हुई थी, ये सही कह रहे हैं आप, ठीक है। वाह भाई, ठीक है। और बताएं, अच्छा मुझे ये बताइए, अब मैं बताता हूँ, आराम से बात करें सर, प्लीज आराम से बात करें, ताकि बात का मजा आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, विष्णु जी आप बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं, पिलाऊंगा आपको, अगर आप मेरे करीब होते तो मैं आपको चाय वाय पिलाता हूं। बहुत लव यू विष्णु भाई देखें, आपने श्रीमद् भागवतम के इस कथा को माना, स्वीकार किया, और आपने उसको बताया कि सुनने माने वाली क्या बात है, जबरदस्त। अब मजे की बात यह है कि आपने आते ही कहा मैं आर्या समाजी हूँ, आपको पता है श्रीमद् भागवत बातों को मानता हूँ, मेरी बात आप समझे, सुनिएगा विष्णु जी, मुझे भी तो सुनिए, मैं चावल, मेरी बात समझे, चावल खाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं रोटी नहीं खाता हूँ विष्णु जी मैं तो चावल ही खिला रहा हूँ ना, आप तो चावल खाइए भी तो सही ना, मैंने आपके सामने चावल रखे आप खा ही नहीं रहे, डॉक्टर मुझे मना कर देगा कि चावल आप मत खाओ कुछ देर, तो मैं चावल छोड़ भी सकता हूँ। नहीं मेरे से बड़ा डॉक्टर कौन है, वादे हक लाइव के ऊपर आकर सारे पेशेंट बन जाते हैं, मैं बताऊंगा विष्णु जी मेरे पास आकर लोग पेशेंट बन जाते हैं, वो कहते हैं हमें चावल पसंद नहीं, मैं खिलाऊंगा चावल, बंदा नहीं मिला होगा। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपके जैसा वाकई बंदा कोई, आपके जैसा सनातनियों को भी बंदा नहीं मिला होगा, यकीन करें। अच्छा विष्णु जी जरा बात सुनिएगा, जबरदस्त, आप जैसा कट्टर, आप जितना काट रहे हैं सनातनियों को, ऐसा तो कट्टर चाहिए हमें। अच्छा आप सुनिएगा, जी मुझे बोलने तो दें, आप देखिए मुझे बोलने भी बोलने, देखिये जी आर्य समाजी जो हैं वो श्रीमद् भागवतम के बारे में क्या विचार रखते हैं विष्णु जी, आपको पता है? सर बिल्कुल पता है, क्या रखते हैं खुद बताइए। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूंगा, मेरे तो बता दें सर, गुस्सा की बात मेरे सर, मेरी बात आपकी है, मैं क्रक्स पे जाना चाहता हूँ, मैं एक्सट्रैक्ट पे जाना चाह रहा हूँ, कुछ गलती आपसे भी हो रही है, कुछ गलती सैम से भी हो रही है, कुछ गलती हम देखे, मैं मुझे इन्होंने टोक दिया, मेरी बात का जवाब नहीं दिया, और कहते हैं कि मैं इरिटेट सर, दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ 30 सेकंड, अगर मुझे आर्य समाजी श्रीमद् भागवत के बारे में या भागवत पुराण के बारे में या जिसको महापुराण श्रीमद् भागवत बोला जाता है उसके बारे में क्या विचार रखते हैं सर? देखिए वो पुराणों को नहीं मानते हैं, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। नहीं, मैंने ये पूछे नहीं, देखे फिर वही बात, श्रीमद् भागवतम के बारे में जिसको आप ऑन कर रहे हैं, आर्य समाजी क्या विचार रखते हैं, वेरी स्पेसिफिक सर, आप बताएं क्या विचार रखते हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में? वो कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि स्वामी दयानंद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम भंग पीकर गपोड़ों ने किताब लिखी थी और उसमें झूठ है, गप है, गपोड़स्तान है, आप कह रहे हैं मैं उसको स्वीकार करता हूँ। स्टार्ट में आपने कहा मैं आर्य समाजी हूँ, आर्य समाजियों ने तो श्रीमद् भागवतम की लीला को पीला कर दिया है, उसका क्या करें सर? एक बात मैं आपको बता दूं, अब मैं अपनी बात रखता हूँ, अगर आपके पास रेडियो है तो आप टेलीविजन के सिग्नल नहीं पकड़ सकते हैं, का मतलब ये नहीं कि टेलीविजन का अस्तित्व नहीं है,
एक समय था जब हम लोग क्रिकेट की कमेंट्री रेडियो पर सुना करते थे और आज हम मोबाइल फोन में उसको लाइव भी देख रहे हैं। यानी श्रीमद् भागवत आर्या समाज में और श्रीमद् भागवत में रेडियो कौन है और टीवी कौन है? आर्य समाज जो है रेडियो है और उसके कुछ उसके पास कुछ स्पेसिफिक जैसे गोरखपुर स्टेशन पकड़ा रहा है। फिर आप कहते हैं मैं हंसता हूं, फिर आप कहते हैं मैं हंसता हूं। सर आप पूरी बात आप बीच में मत टोका करें, बात का फ्लो ना खराब किया करें। अगर कोई बंदा रेडियो आपको आपको ये अधिकार है, आपको ये अधिकार है कि आप कर सके, मैं नहीं कर सकता, ठीक है? मैं कर लिया। अगर एक ये सिर्फ मेरे लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, ये जरा कमेंट पढ़िएगा जी क्या लिखा है। एक मिनट सर, सैम भाई और आमिर भाई आप लोगों को बहुत शब्द दिया है लापाक ने, इन लोगों के लॉजिक से मेरा सर घूम जाता है। सर ये उनकी अपनी व्यक्तिगत स्थिति पड़ी है। जी 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 ठीक है, मैं बस आपको बताना चाह रहा हूं कि दर्शक क्या विचार रख रहे हैं। मुझे असल में माया लीला और इस तरह की जो अद्भुत किस्म की जो है ना, वो जिसको रावण जी ने कहा था गपोड़बाजी, मुझे इसकी असल में आदत नहीं रही। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी आदत डाल लूं ताकि मैं फिर तसल्ली से सुन सका करूं। ठीक है विष्णु जी, सैम भाई आपको बात करना चाहते हैं, फिर विष्णु जी से जान लेते हैं। जी थैंक यू विष्णु जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। बड़े ही सच्चे और अच्छे इंसान है आप, नॉलेज रखते हैं आप अपने ग्रंथों की। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे स्ट्रीम में जुड़ते रहिए, आमिर भाई के स्ट्रीम में, मेरे स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच मेरे भाई। आमिर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, मैं आगे जब आप आएंगे मैं आपको ज्यादा समय दूंगा, बेफिक्र रहें, ठीक है मेरा भाई, इससे भी ज्यादा, वैसे तो मैंने आपको दिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विष्णु जी, बहुत शुक्रिया।